सुंदर पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। बाबा विश्वनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आ गया पूर्णिमा की रात्रि, बड़े से बड़ी बीमारियां, बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े बड़े कष्ट इस पूर्णिमा की रात्रि को छूट जाते हैं। दमे की बीमारी, श्वास की बीमारी, अनिंद्रा की बीमारी, रात्रि को जगना, ये सारी बीमारियां पूर्णिमा की रात्रि को अगर व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय बनाए, अपने जीवन को आनंदमय बनाए तो सब छूट सकते। पूर्णिमा का व्रत करने का कारण क्या है बताइए? आप इतने सालों से कर रही हो, कई माताएं कर रही होंगी पूर्णिमा का व्रत। एक समय फलाहार करती हैं, एक समय भोजन करती हैं। भोजन में खीर का होना जरूरी होता है पूर्णिमा के व्रत में, दूध की सामग्री होना जरूरी होती है पूर्णिमा के व्रत में। 12 महीने की पूर्णिमा करो मना नहीं है, और पूर्णिमा उठाने का भी समय होता है चैत्री, चैत्र के महीने की जो पूर्णिमा होती है चैत्री पूर्णिमा, पहली पूर्णिमा मानी जाती है, इसलिए चैत्री पूर्णिमा को सिद्ध पूर्णिमा कहते, कार्य सिद्धात्री पूर्णिमा कहते, सिद्ध करने वाले मनोरथी पूर्णिमा कहते। मनोरथी पूर्णिमा, इसलिए पूर्णिमा का व्रत कहां से उठाया जाता है? चैत्र के महीने की पूर्णिमा से पूर्णिमा का व्रत उठाया जाता है। कि मैं महीने की पूर्णिमा करूंगी तो चैत्र पूर्णिमा से उसको उठा लिया जाता है। उसका एक नियम रहता है, आप फलाहार करें अपनी जगह पर, एक समय भोजन कर रहे हैं अपनी जगह पर, भोजन के साथ में मीठे के साथ थोड़ा दूध की सामग्री होना जरूरी होती है। और क्यों करते हैं पूर्णिमा का व्रत, किस लिए किया जाता है, क्यों करा जाता है, उसका व्याख्यान वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत स्कंद पुराण में लिखा गया। स्कंद पुराण में वर्णन किया है श्री वेद व्यास जी महाराज ने, कहा ये पूर्णिमा का व्रत इसलिए किया जाता है कि व्यक्ति का जब मन गलत क्रम में जाने लगता है, मन जब गलत जगह पर जाने लगता है, तो ये मन को गलत जगह पर ले जाने वाला कौन होता है? तो कहा ये चंद्र होता है। व्यक्ति की राशि के अंतर्गत, व्यक्ति की पत्रिका के अंतर्गत, व्यक्ति की ग्रह दशा के अंतर्गत जब चंद्र बेकार चलता है तो व्यक्ति अच्छा करते करते भी बेकार करने लग जाता है, चंद्र डोल रहा है। कई माताएं कहती हैं, गुरु जी हमारे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, बहुत गलत संगत में जा रहा है, मतलब समझ जाना कि चंद्र गड़बड़ जा रहा है। बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है, बेटी अगर गलत संगत में जा रही है, किसी अन्य व्यक्ति को आकर्षित हो, चंद्र गड़बड़ हो रहा है, उसका चंद्र कहीं जा रहा है। कोई पुरुष, कोई लड़का, कोई गलत मार्ग पर जा रहा है, चंद्र गड़बड़ हो रहा है। घर में जो क्लेश उत्पन्न होता है, घर में जो विवाद उत्पन्न होता है, उस विवाद को रोकने के लिए केवल चंद्र की ही, इसलिए तो पूर्णिमा घर की नारियां, हमारी हिंदू धर्म में यहां तक स्कंद पुराण में कह दिया कि प्रत्येक पूर्णिमा, आप लोग कभी कभी आप लोगों ने सत्यनारायण जी की कथा कर भाई, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, यूट्यूब पर कथा का श्रवण कर रहे हैं, उन्होंने कभी सत्यनारायण की कथा कर भाई होगी, तो उसमें लिखा है हर कार्तिक, हर पूर्णिमा को, हर संक्रांति को ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की कथा या राजा या वैश्य कथा को कराता था, या बढ़िया कथा करा, सुनी कि नहीं सुनी बात, सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा है, स्कंद पुराण के अंतर्गत जो सत्यनारायण भगवान की कथा का स्मरण किया उसमें लिखा है। आराम लगना प्रारंभ हो जाता है हमारा। आज पूर्णिमा की रात्रि से लेकर कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि के बीच में जो दामोदर भगवान का, कृष्ण का, शिव का मंगल आनंद करेगा, अभिषेक करेगा, पूजन करेगा, स्मरण करेगा, उसके सारे दुख दरिद्र दूर हो जाएंगे। शिव का स्मरण करो, पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना जानते हो, पूरा खंडी चावल नहीं, कितना चावल, एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर रख दीजिए, और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर बेलपत्र समर्पित कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर वापिस घर को आइए। अगली पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण कर ही देगा। आप सभी को पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के पत्ते 5 लेकर उसके ऊपर खीर डालकर रात्रि को खा लेने से महाराज दमे की बीमारी, श्वास की बीमारी रुक जाती है।
वो बीमारी बढ़ती नहीं है, उससे कष्ट नहीं होता। जिन बच्चों के नेत्र कमजोर होते हैं, रोशनी कमजोर होती है, पूर्णिमा के दिन रात्रि को 12 बजे भगवान चंद्रदेव का दर्शन कराइए, 5 से 7 मिनट तक नयन मिलाए चंद्रदेव के साथ, और बाद में एक पीपल के पत्ते पर खीर जो चंद्र के नीचे रखी हुई है उसी खीर को चटा दीजिए, फिर चंद्र का दर्शन कराओ, फिर खीर को चटा दीजिए। महाराज, नयन की ज्योति बढ़ती है, नींद नहीं आती तो निंद्रा देवी प्रवेश करती है, निंद्रा अच्छी आती है, आनंदित होता है। महाराज, जिस व्यक्ति के शरीर में गांठ पड़ जाती हो, शरीर काला पड़ जाता हो, चट्टे पड़ जाते हो, या दांत खाज खुजली हो जाता हो, उसके लिए भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे महाराज भगवान चंद्रदेव के लिए 21 दिए जलाए जाते हैं। उस 21 दिए की कालोच एक थाली में इकट्ठी करी जाती है, काजल कालोच को इकट्ठी कर शरीर में गाय के घी के साथ में जहां जहां जगह पर चट्टे हैं, गांठ है, वहां लगाया जाता है उसको, 5 या 7 दिन लगाइए, उसके बाद में रोज प्रतिदिन लगाने के आधे घंटे बाद स्नान कर लीजिए, आराम लगना प्रारंभ हो जाता है। आज पूर्णिमा की रात्रि से लेकर कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि के बीच में जो दामोदर भगवान का, कृष्ण का, शिव का मंगल आनंद करेगा, अभिषेक करेगा, पूजन करेगा, स्मरण करेगा, उसके सारे दुख दरिद्र दूर हो जाएंगे। रात्रि को आप बड़े प्रेम से खीर बनाओ, चंद्रदेव की साक्षी में रखो, भोग लगाओ भगवान श्री हरि को, बन सके अगर लक्ष्मी की कमी है, लक्ष्मी नहीं आ रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, तकलीफ बहुत ज्यादा है, घर में कष्ट है, कर्जा ज्यादा है, तो एक तांबे के कलश के ऊपर, तांबे के कलश में पानी भरना, कटोरी रखना, उस पे लक्ष्मी जी की मूर्ति रखना, लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं हो तो चांदी का सिक्का रखना, उसके सम्मुख में आप 31 दीपक घी के लंबी बाती के जला देना। महाराज, एक एक कमल गट्टा उस 31 दिए के अंदर डाल देना और लक्ष्मी जी का पूजन करना, लक्ष्मी जी का स्मरण करना, खीर का भोग लगाना, पान के पत्ते पर खीर रखना, 5 पत्ते पर खीर का भोग लगाना और माता लक्ष्मी से विनती करना, सुबेरे 4 बजे तक वो रखे रहने देना, सुबह 4 बजे वो उठाना, लक्ष्मी को वापिस तिजोरी में या सिक्का हो तो उसको अलमारी में रख देना, जो खीर बनी है वो प्रसाद के रूप में सुबह 8 बजे 10 बजे 9 बजे जब खाना हो प्रेम से खाना। माता, जो दिए लगाए हैं वो ठंडे हो गए होंगे, उनको रखे रहने देना, बाद में काम आते रहेंगे, या दिए विसर्जन करना हो तो आपकी मर्जी है, पर वो मट्टी के दिए लगेंगे, आटे के दिए नहीं लगेंगे, मट्टी के दीप लगाना है आपको 31, घी के दिए लगाना है, लक्ष्मी जी का पूजन करो, कंकु चावल हल्दी मौली से सब तरह से, पूर्णिमा की रात्रि को सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, लक्ष्मी की वृद्धि होगी, कार्य सिद्धि होगी। दूसरा क्रम, पूर्णिमा के दिन आप शाम को प्रदोष काल के समय 4:30 से 6 बजे के बीच में एक लोटा पानी, उसमें 5 बेलपत्र रखकर, एक कमल गट्टा डालकर भगवान चंद्रेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को चढ़ा दीजिए। आपकी जो कामना हो वो कामना कर चढ़ा, विनती करें चंद्रेश्वर महादेव को और निवेदन करें कि हमारा ये कार्य सफल हो। केवल पूर्णिमा के दिन चढ़ाइए, कार्तिक पूर्णिमा तक क्या फल मिलता है हमको जरूर बताइए। भी पूर्णिमा की रात्रि को और कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को गर्भवती नारी अपनी नाभि पर यदि चंद्र की दृष्टि पड़वा लेती है तो बच्चा विकलांग पैदा नहीं होता है। गर्भ से जो बालक होगा श्रेष्ठ होगा, विद्वान होगा, चतुर होगा, पढ़ने में होशियार होगा, क्योंकि ये चंद्र की किरणें जब समुद्र में उछाल ला सकती हैं तो आपके जीवन में भी तरक्की ला सकती है, उछाल ला सकती है। पूर्णिमा के दिन अगर आप शंकर भगवान को एक लोटा पानी अगर शिव को समर्पित कर रहे हो, श्वेत पुष्प को रख कर शंकर जी के ऊपर सफेद फूल को चढ़ाकर अगर एक लोटा जल भी, एक पात्र जल भी शंकर को समर्पित कर रहे हो तो ये लक्ष्मी के लिए ही तो कर रहे हो। और कौन सी लक्ष्मी? पूर्ण लक्ष्मी, पूर्ण लक्ष्मी। पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को देखा और सरस्वती को देखा तो पूछा कि बात क्या है, क्या हो गया ऐसा, क्या हुआ, क्या है ऐसा जो तुम दोनों आज मेरे पास में आई, क्या हुआ? पार्वती जी कुछ बोलती, शिव जी का ध्यान माता सरस्वती की ओर और लक्ष्मी की ओर गया।
लक्ष्मी जी को अपूर्ण कहा है। अब देखिए माता पार्वती क्या कर सकती है, इसको पूर्ण बनाने के लिए करेगी क्या? क्या हुआ? माता सरस्वती जी बोली, लक्ष्मी को अपूर्ण कर दिया। अपूर्ण कर दिया? हाँ, तो क्या सोचना उसके लिए, इसको मैं अभी पूर्ण बना देती हूँ। माता जगत जननी पार्वती ने गोदी में विराजमान गणेश जी को उठाया और उठाकर लक्ष्मी जी की गोद में दे दिया। ले लक्ष्मी, आज से तो पूर्ण हो गई लक्ष्मी, आज से तो पूर्ण। केवल एक दीवार ऐसी होती है जहां पर हनुमान जी का चित्र लगाया जाता है, चाहे तुम पर्वत उठाने वाला चित्र लगाओ हनुमान जी का, चाहे बैठे हुए लगाओ, चाहे रामायण पढ़ने वाला लगाओ, चाहे लंका दहन करने वाला लगाओ, चाहे राम नाम जपने वाला लगाओ, चाहे लक्ष्मण को संजीवनी देने वाला लगाओ, चाहे मौन मुद्रा में लगा दो, चाहे स्तुति में लगा दो, चाहे भजन में लगा दो, हनुमान जी का कोई भी चित्र लगता है तो ना पूरब में लगेगा, ना पश्चिम में लगेगा, ना दक्षिण में लगेगा। हनुमान जी का अगर चित्र लगता है तो उत्तर की दीवार में दक्षिण को देखते हुए लगता है। केवल एक ही स्थान, जैसे पूर्वजों के चित्र को, पितरों के चित्र को, गए हुए हमारे जीवों के चित्र को दक्षिण में विराजमान किया जाता है, उसी तरह हनुमान को उत्तर में विराजमान कर दृष्टि दक्षिण में कर दी जाती है। घर में हनुमान जी के जितने फोटो होते हैं उसको केवल दक्षिण दिशा में लगा, उत्तर दिशा में लगा बिठा देते हैं और दक्षिण की ओर उनकी दृष्टि होना चाहिए, दक्षिण की ओर उनका मुख होना चाहिए। क्यों महाराज? अगर व्यक्ति के जीवन में कोई बीमारी आने वाली है, व्यक्ति के जीवन में कोई रोग आने वाला है, व्यक्ति के जीवन में अगर कोई कष्ट आने वाला है, व्यक्ति के जीवन में अगर कोई परेशानी आने वाली है, व्यक्ति के जीवन में कोई एक्सीडेंट का योग भी बनने वाला है, तो शास्त्र कहता है वो दिशा दक्षिण से ही बनता है। ये दक्षिण जो दिशा है ये यम की दिशा है। यहां संपूर्ण परिवार के साथ यमराज अपने आनंद में निवास करता है। और जब हमारे घर में, हम ये नहीं कह रहे कि आप हनुमान जी का फोटो लगाओ, हम ये भी नहीं कह रहे, आपके घर में हो और आपने अगर विराजमान कर रखा है किसी दिशा में, तो हमारा तो निवेदन रहेगा, अभी तक आपने अगर जैसा रखा पर एक बार दिशा बदल कर देखना कि रोग बीमारी कष्ट दुख तकलीफ में आपको लाभ मिला कि ना। हनुमान जी ने केवल दक्षिण दिशा की ओर अगर मुख कर हमने विराजमान कर दिया, फोटो ही विराज दिया, हम ये नहीं कहेंगे आपसे कि आप बाजार से फोटो खरीद के लाओ फिर लगाओ, नहीं, आपके घर में हो तो आप लगा। माता लक्ष्मी एक बार भगवान विष्णु से प्रश्न करी है कि ये सारा ठाट भगवान नारायण, आपको बैकुंठ का राज्य कैसे मिला, आप बैकुंठ के अधिपति कैसे बने, आपको जो बैकुंठ कैसे प्राप्त हुआ? राम जी महाराज, भगवान विष्णु आप राम जी के अवतार हुए, राम जी बनकर आपने अयोध्या का राज्य भोगा, कृष्ण का अवतार लिया, द्वारका का राज्य भोगा, मथुरा का राज्य भोगा, ब्रज का राज्य भोगा, आखिर आपको ये राज्य हर घड़ी हर पल हर क्षण कैसे प्राप्त होते हैं, किस तरह से? भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी ने प्रश्न करा है विष्णु पुराण के अंतर्गत और कुर्म पुराण में भी, कुर्म पुराण में भी इसका वर्णन प्रश्न किया, ये आपको सुख कैसे मिल जाता है? आपको बैकुंठ का राज्य मिल गया, आपको द्वारका का राज्य मिल गया, आपको अयोध्या का राज्य मिल गया, आपको रावण की लंका दूसरे की थी वो लंका का राज्य आपको प्राप्त हो गया, ये कैसे प्राप्त हो जाता है? भगवान विष्णु ने अपनी धर्म पत्नी माता लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी मैं प्रतिदिन शंकर के शिवलिंग की आराधना करता हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, क्या नाथ मैं शिवलिंग की आराधना कर सकती हूँ, क्या मैं शंकर के शिवलिंग का पूजन कर सकती हूँ, उसकी आराधना कर सकती हूँ? भगवान कहते हैं, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी सारे देवी देवताओं ने अलग अलग शिवलिंग का निर्माण करा, किसी ने पारद का शिवलिंग बनाया, किसी ने मोती का शिवलिंग बनाया, किसी ने स्फटिक का शिवलिंग बनाया, किसी ने स्वर्ण का शिवलिंग बनाया, किसी ने, अब क्या मिला माता लक्ष्मी जी को? लक्ष्मी जी को मिला क्या? क्या,
क्या प्राप्त हुआ माता लक्ष्मी जी? भगवान कृष्ण की प्रिया है राधिका जी, राधिका जी के प्रिय हैं भगवान कृष्ण। राम जी को बीच में कुब्जा भी मिली, सुपनखा भी मिली, पर मेरे नारायण को बहुत कुछ प्राप्त हुआ, पर आज भी लक्ष्मी जी को क्या मिला है? तो कहा, लक्ष्मी तुम किस चीज के लिए शिव जी की आराधना कर रही हो? लक्ष्मी जी कहती हैं, बस आपके चरण की सेवा मुझे दिन रात मिले। नारायण कहते हैं, मैं तो भगवान शिव के सेवा में लगा रहता हूं और आप मेरे चरण की सेवा मांग रही हो, तो मेरे चरण की सेवा ऐसे नहीं मिल सकती। कोई देगा तो वो देवाधिदेव महादेव ही दे सकते। घोर तप माता लक्ष्मी ने करना प्रारंभ करा, शिवलिंग का स्नान कराती, शंकर भगवान का अभिषेक करती, शंकर भगवान की पूजन करती, शिव जी का सुंदर आनंद से श्रृंगार करती। मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे कालाधिपति महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ भगवान स्वयं उस शिवलिंग में से प्रकट होकर बोले, लक्ष्मी तुम्हें क्या चाहिए? लक्ष्मी जी कहती हैं, प्रभु आपने मेरा विवाह नारायण के साथ तो कर दिया, पर नारायण दिन रात आपकी सेवा में लगे रहते हैं तो उनके चरण मुझे नहीं मिल पाते। शंकर भगवान ने कहा, मैं वचन देता हूं लक्ष्मी, तू नारायण के चरणों में सदा विराजमान मिलेगी। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बेटी हो, बेटा हो, नारी हो, पुरुष हो, जो है, अगर वो शिव की आराधना में लगा है, उसका मनवांछित फल की पूर्ति हुई है, प्राप्ति हुई है। और कोई तुमसे कहे कि स्त्री शंकर भगवान का आराधना कर सकती है, पूजन कर सकती है, तो दूर नहीं जाना। ये जो शिव पुराण है हमारे पास में, गीता प्रेस गोरखपुर की, उसका दर्शन मैं आपको करा देता हूँ। ये शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की है, तुम भी बाजार से लेकर आना। इसका 73 नंबर का पेज निकाल कर पढ़ना, विद्येश्वर संहिता में से। उसमें लिखा हुआ है, जो नारी शंकर भगवान का स्नान कराती है, श्रृंगार करती है, पूजन करती है, वो संसार सागर से मुक्त होकर माँ पार्वती की परम सखी बनकर विराजमान होती है। यह विद्येश्वर संहिता कह रहे। और इसी शिव महापुराण का 73वें नंबर का पेज पढ़ने के बाद में 75 नंबर पेज को पढ़ना, विद्येश्वर संहिता का। उसमें लिखा है, जो शंकर भगवान को जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करता है, वो तीन ताप से दूर हो जाता है। ये मैंने निवेदन है आस्था चैनल वालों से, पन्ना मैं निकाल रहा हूँ और उसको मैं लाइन से अक्षरों पर लाइन दिखा रहा हूँ। मेरा निवेदन है, आप भी बताना कि शंकर जी पर जल चढ़ाकर पीने का कितना लाभ है। प्रश्न नंबर 75, अब आस्था चैनल से निवेदन है, और आप सभी LCD पर ध्यान देंगे और अपने अपने मोबाइल पर भी, जितने लोग TV पर कथा सुन रहे हैं वो मोबाइल पर सुनने वाले, वो जो लोग कहते हैं शिवजी पर जल चढ़ा हुआ नहीं पीना चाहिए, उसके लिए मेरे वेद व्यास जी लिख रहे हैं, पेज नंबर 75 विद्येश्वर संहिता, ध्यान रखिएगा। जो मनुष्य उंगली पर ध्यान देंगे जो टीवी पर चल रही है, जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का तीन बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ये शिव पुराण। अब शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ नैवेद्य, शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? कोई कहता है महाराज जी स्वान की योनी हो जाएगी, कुत्ता बन जाओगे, कोई कहेगा ये बन जाओगे, कोई कहेगा वो बन जाओगे। अब उसको पढ़िए, पेज नंबर 75 शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता,
मेरी उंगली चल रही वहां पर ध्यान देना, भगवान शिव का नैवेद्य अग्रह है। इस भगवान भावना को मन से निकाल दें कि शिव जी का चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाया जाता, ये भावना मन से निकाले। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर हो जाते हैं, खाने की तो बात ही दूसरी है। अब क्या लिखा है अगली लाइन, उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को, जो शंकर का प्रसाद है, शिवजी पे चढ़ा हुआ नैवेद्य है, अगर वो आपके सामने आ जाए उसको सिर झुकाकर प्रसन्नता पूर्वक खा लेना चाहिए। जो शंकर के चढ़े हुए नैवेद्य को यह कह देता है कि थोड़ी देर से खाऊंगा, वो पाप में लिप्त होता चले जाता है। यहां तक उसका वर्णन किया, वो मनुष्य पाप में बंध जाता है। इसलिए शंकर को चढ़ा हुआ नैवेद्य, भगवान का बस केवल नैवेद्य का दर्शन ही हो जाए तो जीव कोटि कोटि पुण्य प्राप्त कर लेता है, वो शिव तत्व है। ये शिव महापुराण है। अब आज के जमाने में नए नए पंथ बन गए, नए नए पंथ चल गए, तो उन्होंने अपने को उठाने के लिए शंकर जी की निंदा कर दी, शिव जी के मंदिर मत जाना, शंकर का प्रसाद मत लेना, शिव जी को देखना मत, शंकर के द्वार मत जाना। हम किसी पंथ की पुस्तक की बात नहीं करते, क्योंकि सबने अपने अपने पंथ बनाए तो सबने अपने अपने भाव से लिखा। हम वेद व्यास जी ने जो विद्धेश्वर संहिता में लिखा उस शिव महापुराण का वर्णन करते हैं, जो आपने 75 नंबर पेज गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण पुस्तक का आनंद करते हुए इस पुराण में पढ़ा। विद्धेश्वर संहिता स्मरण, भ्रांति निकालो मन से, लोग भटकाएंगे, लोग तुम्हें भ्रमित करेंगे, तुम शंकर जी की आराधना करने लगोगे, भगवान का भजन करने लगोगे, भक्ति में डूबने लगोगे, डूबने लगोगे, डूबने लगोगे, डूबने लगोगे, तो लोग तुम्हें भ्रम उत्पन्न करेंगे। शंकर मंदिर मत जाना, शिव जी का प्रसाद मत लेना, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पीना, लोग तुम्हें भ्रमित करेंगे। उस भ्रम से निकालती है मेरी शिव महापुराण की कथा। आप एक एक शब्द का स्मरण करो। मेरा निवेदन है, जिसने शिव को जान लिया उसने संपूर्ण जीवन भगवान के सुपरत अपना कर दिया और अपने जीवन को सार